नमस्कार दोस्तों, प्रतिमास किचन में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ रहा है तो सोचा घर में कुछ मीठा बनाया जाए। और गणेश भगवान जी का प्रिय मोदक भी बनाते हैं, लेकिन थोड़ा यूनिक तरीके से। आज मैंने ब्रेड मोदक बनाया है और ब्रेड मोदक में मैंने स्टफिंग भी दिया है। ये बहुत ही डिलीशियस और नई तरीके से बनाया है। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट कीजिए। और जो मेरे चैनल में नए आ रहे हो, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। इससे आप और मुझे दोनों को सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ब्रेड लिया है। ब्रेड मैंने 6 पीस लिया है और यहाँ पर मैंने स्टफिंग पहले से बना कर रखा हुआ है। नारियल, छेना और गुड़ डाल के दूध मैंने 4 बड़ा चम्मच लिया है, जितना चाहिए उतना ही लगेगा। और यहाँ पर काजू बादाम लिया है। यहाँ पर पाउडर शुगर मैंने आधा कप लिया है, देसी घी लिया है। और बाकी ये जो काजू और बादाम है उसको हम पाउडर बना लेंगे। बाकी और कुछ कुछ सामान है, मैं आपको बनाने के टाइम बताऊंगी। ये देखिए पाउडर बना दिया है। और ये जो ब्रेड है उसको भी मैं इसी ग्राइंडर जार में मैंने काजू और बादाम का बनाया था, उसी में मैं ये ब्रेड डाल के उसका पाउडर बना दूंगी। तो ये देखिए मैंने तोड़ दिया है और ब्रेड का मैंने चूरा बना दिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने एक पैन चढ़ा दिया है गैस पर, उसमें हम ड्राई रोस्ट करेंगे ब्रेड को। बिल्कुल धीमा आंच पर ही इसे ड्राई रोस्ट कीजिए। और अब मैं इसमें 2-3 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है, उसको भी डाल देती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। तो इसे मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। और ये जो काजू और बादाम का मैंने पाउडर बनाया था उसको भी दे देती हूँ। इसे डालने से इसका जो फ्लेवर है, मोदक का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया होता है। अगर बादाम भी, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं उसमें, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए ड्राई रोस्ट हो गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हो कितना चेंज हो गया है, ये देखिए। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो 1/2 कप मैंने पाउडर शुगर लिया था उसको डाल देती हूँ। और इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच घी दे रही हूँ, देसी घी। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथ से। ये देखिए मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूँगी। दूध हमें थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करना है, एक टाइट डो बनाना है इसका। मैंने इसमें 3-4 चम्मच दूध लिया था, जितना कितना लग रहा है मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए डो हमारा बनकर रेडी हो गया है। और ये देख सकते हैं दूध इतना सारा बचा है, बस 1.5-2 चम्मच तक लगा। और अब मैं ये मोदक मोल्ड लिया है, मोदक मोल्ड में हम मोदक बनाएंगे। पहले मैं इसमें घी थोड़ा ग्रीस कर लेती हूँ हाथ से। घी लगाने से थोड़ा मोदक मोल्ड से अच्छे से मोदक निकल के आता है। तो अच्छे से मैं इसको हाथ से भी थोड़ा घी लगा लेती हूँ और अच्छे से इसको, ये देखिए मैंने इसमें एक कील रहता है उसको मैं इसमें दे दिया है, बंद कर दिया है। और मोल्ड में आप पूरा, मैं आपको दिखा रही हूँ अच्छे से मैं कैसे बना रही हूँ, आप मेरे हाथ को देखिए। और इसके बीच में मैं एक होल जैसा बना रही हूँ, चारों ओर से ऐसे दबा लेना है। और ये देखिए, और बीच में जो होल बना है उसमें मैं स्टफिंग डाल रही हूँ। स्टफिंग का वीडियो मैंने पहले डाला था, इसीलिए मैंने स्टफिंग का वीडियो नहीं बनाया है। अगर आपको चाहिए तो फिर से मुझे कमेंट कीजिए। छेने का मैंने नहीं डाला था, ये छेना और नारियल का स्टफिंग है। तो ये देखिए
लास्ट को मैं ये स्टफिंग को अच्छे से भर दिया है इसके ऊपर। और अब मैं ये स्टिक निकल के डीमोल्ड करती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप मोल्ड से बना सकते हो। अगर मोल्ड नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए मैंने दो बना दिया है मोल्ड में। और अब मैं हाथ से बनाकर दिखाती हूँ कैसे बनाया मैंने हाथ से। तो थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ इसमें और इसको इसी तरह स्टफिंग डाल के और हाथ से इस तरह फोल्ड करते करते हम ऊपर तक लेके जाएंगे। जैसे स्टफिंग इसके अंदर अच्छे से रहेगा, टूटेगा नहीं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ आपको टूटा हुआ लग रहा है तो आप इसे शेप अच्छे से कर सकते हो। तो ये देखिए, अगर आपको डिजाइंस चाहिए तो फोक से कर सकते हो, नहीं तो इस तरह चम्मच से भी इस तरह डिजाइंस बना सकते हो। तो ये देखिए डिजाइंस बनकर रेडी हो गया है हमारा, और हाथ से भी मैंने बना दिया है। ये देखिए मेरे पास लास्ट वाला था तो इसे भी मैंने बना दिया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है हमारा मोदक, ब्रेड मोदक। और इसको मैं थोड़ा सा सजा लेती हूँ गुलाब की पंखुड़ियों से। अगर आप पिस्ता या काजू कुछ भी आप इसे सजा सकते हो। आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है और कितना अच्छा भी बना है। इसी तरह आप बनाइए, खाइए और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में थोड़ा शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।